हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनू ग्रेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय राज व्यवस्था, संविधान सभा। तो के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ संविधान सभा से, जो किसी ना किसी प्रतियोगी एग्जाम में आगे पूछने की संभावना है और पूछे जा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं संविधान सभा में क्वेश्चन नंबर एक। 1922 में किसने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो दोस्तों किसने कहा था यह बात कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर दो, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर चार, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों मैंने पहले बताया था, तो 1895 में सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल लाता रहूँगा जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर छः, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ था जहाँ पर संविधान सभा की मांग रखी गई? तो ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर। क्वेश्चन नंबर सात, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए थे? 389। क्वेश्चन नंबर आठ, मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों किस प्रकार निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। तो अपना आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये पूछ रहा है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो दोस्तों अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों संविधान जब पारित हुआ तो कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी ये पूछ रहा है, तो कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया? बी, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अपना लास्ट सवाल है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं और
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जब भारत का संविधान निर्माण हुआ तब महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए कितनी थी? 15। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।